हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है कि यहाँ पर मैं आपको दो सवाल पूछूंगा जो कि मुझे लगा उसके बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहिए, और उसके साथ साथ आईसीआर का एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था संडे कमेंट बॉक्स 8th एपिसोड। वहाँ पर मैंने लास्ट कमेंट मैंने जिनका लिया था उनका नाम था नवजोत दास। मैं अभी चेक कर रहा था वीडियो, तो उनका कमेंट मैंने पिक किया था। और क्यों क्यों मतलब ऐसे तो मैंने सारा कमेंट्स पिक करता हूँ, मतलब मैक्सिमम कमेंट्स पिक करता हूँ, लेकिन उनका कमेंट मुझे थोड़ा सा स्पेशल लगा क्योंकि उनका यही कहना था कि कितने मिनिमम मार्क पे हमको कमेंट कलेज मिल सकता है, यानी कि कितने लोएस्ट मार्क पर कमेंट कलेज मिल सकता है, इसके बारे में कुछ बता दिया जाए वीडियो पे या फिर कुछ ऐसे हमको बोला जाए ताकि हम अपना स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था कमेंट, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को भी मैंने अपना आई बटन पर पोल पर दिया था और आप लोगों को पूछा था कि मतलब इस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप लोगों में से जितने भी लोग मतलब उस सवाल का आंसर किए हैं, मैक्सिमम परसेंटेज आंसर एस आया है। तो उसके बारे में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल लेता हूँ कि अभी कितने मार्क पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इसलिए मतलब आपको मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मतलब मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि स्पॉट काउंसलिंग जो आईसीआर के बारे में अभी तो कोई जानकारी नहीं आया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा 22 मतलब कल था और लगभग एडमिशन खत्म हो गया है, ठीक है। तो आज हो सके कोई नोटिफिकेशन आएगा स्पॉट के बारे में या नहीं आएगा, मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अगर स्पॉट काउंसिल नहीं निकलता है तो वो वीडियो बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ, स्पॉट काउंसिल का उम्मीद ना रखें। मैंने तो रेशियो आपको 30-70 बोल के रखा था और ये भी बोला था कि मुझे जितना पता है कि नहीं होगा। मैं आपको फिर बोलता हूँ दोस्तों, ये रेशियो अभी बढ़ गया है, यानी कि स्पॉट काउंसिल ना होने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 5% टू 10% चांस है, जो कि ना के बराबर है। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। ये था दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कि अगर आप लोग सपोज मान लेते हैं आपका मार्क्स ज़्यादा घट गया है, यही चीज़ मैंने बोला था, या मान लेते हैं आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आया है, आप उम्मीद बिल्कुल भी दोस्तों ना रखें। आप दूसरे कोर्स या फिर दूसरे कोई मतलब स्टडी वगैरह का आप प्लान कर लीजिए कि जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों बात करते हैं दो सवाल के बारे में। ये दो सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मैंने मैक्सिमम कमेंट्स पढ़ा आई सर के रिलेटेड, जितने भी मैंने कमेंट्स पढ़ा और मैंने रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोगों को पता होगा संडे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का रिप्लाई करता हूँ। उसके साथ साथ जो कमेंट्स छूट जाता है मैं कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई कर लिया करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ दोस्तों उधर नोटिस किया, मैक्सिमम लोगों का कहना ये कि मतलब मैक्सिमम लोगों को मुझे एग्रीकल्चर बारे में पूछे सवाल, मैक्सिमम यानी कि मेरा इतना मार्क्स है, मेरे लिए ये कॉलेज थी मतलब मेरा इस कॉलेज पे एग्रीकल्चर होगा या नहीं होगा, मान लेते कि इसका हो गया है एग्रीकल्चर तो वो कॉलेज इसको एग्रीकल्चर के लिए कैसा रहेगा, मतलब मैक्सिमम सवाल तो बहुत आया है, मैंने रिप्लाई भी किया है, लेकिन मैक्सिमम सवाल एग्रीकल्चर ऊपर आया है, यानी कि स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर या एम लगा के बैठे या एडिक्शन लगा के बैठे, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, मैं आपको एम को एडिक्शन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एम और एडिक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये था दोस्तों पहला सवाल। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के जो एडिशन का मतलब कुछ स्टूडेंट्स रख करके क्या क्या उनको नुकसान होता है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि जिस स्टूडेंट का एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, चाहे जितने भी उन्होंने अच्छा कर लेते हैं कोई रीजन के वजह उनका नहीं होता है, चाहे सीट कम हो या फिर कैटेगरी पे कुछ भी, तो उनको समझ में आना चाहिए कि हमको सच में क्या हमारा नुकसान हुआ है या फिर सच में हमारे लिए सही हो रहा है। ये था दोस्तों पहला सवाल, इसलिए दोस्तों आई ऊपर आई बटन पर मैंने उसको पोल पर दिया हूँ। उस पोल पर आपको आंसर करना है कि एग्रीकल्चर के एडिक्शन ऊपर एक वीडियो बनाना जाए या ना जाए, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों उसका आंसर करेगा, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ और आप सबके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। ये था दोस्तों पहला सवाल। अब दोस्तों बात करते हैं जो सेकंड सवाल, जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग पूरे इंडिया पे एक ट्रेंड देख रहे हो, हमको एमबीबीएस पढ़ना है, जैसे कि 12th क्लास खत्म हो जाता है हम लोगों ने कोचिंग क्लास वगैरह मतलब करना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमको एक साल के अंदर एमबीबीएस क्रैक करना है, ठीक है ना, और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एमबीबीएस ही चाहिए, ऐसा ही करके हम लोगों ने एक एम बैठा लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वो अलग बात है मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, दोस्तों बुरा मत मानेगा लेकिन ये सच है, ठीक है। और जब रिजल्ट आते हैं उनको तो नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं जितने स्टूडेंट्स मेहनत के हैं ऐसा तो नहीं कि सबका हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा जैसे आईसीआर पे सारे ब्रांच पे सीट कम है। सीट कम है यानी कि क्या, क्या जितना स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जितने स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करते हैं उसी हिसाब से सीट कम है। एग्जैक्टली सेम चीज़ एमबीबीएस पर है, और एमबीबीएस पर तो है तो ज़्यादा है, क्योंकि करीब 15 लाख के आसपास एग्जाम पे बैठते डे बाई डे मतलब कैंडिडेट्स के भी बढ़ते जा रहे हैं,
तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इसलिए दोस्तों उनके लिए भी कहना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स का सपोज कर लो बहुत मेहनत के बाद भी MBBS नहीं हो रहा है, वो क्यों BMS BHMS मतलब आयुष का जो अंडर का कोर्स है वो क्यों उनको मतलब एडमिशन ना करते हैं, और ना उधर वो एडमिशन करते हैं आयुष का अंडर के कोर्स पे, ना वो ICER थ्रू पढ़ते हैं, वो फिर से एकदम कोचिंग के बाद कोचिंग लेते जा रहे हैं 1 साल बाद 1 साल। तो इसलिए दोस्तों क्या खाली इतना ही नहीं, इसमें तो उसका नुकसान हो रहा है साथ साथ और भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहा है यानी कि MBBS एडिक्शन ऊपर क्या क्या नुकसान हो रहा है, मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, और यही मेरा सेकंड सवाल है, उसको भी मैंने आई बटन पे पोल पे दिया हूँ। आपको सवाल का आंसर देना है कि आप लोगों को वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो येस करना है, अगर नहीं चाहिए तो नो करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो पे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया ICER के बारे में, साथ साथ 2 सवाल आपको पूछा। ये वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा क्या MBBS और एग्रीकल्चर बारे में हमने जो चीज़ बोला क्या ये सही था और गलत था। और इस वीडियो का मतलब लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी चैनल को आप लोग तो सब्सक्राइब कर ले होंगे मुझे पता है, और अगर सब्सक्राइब कर ले हो तो उसके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई दिक्कत है तो हमको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं संडे कमेंट बॉक्स में आप लोग का रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू एंड